मैं डॉक्टर जयपाल शर्मा, प्रिंसिपल गोड ब्राह्मण डिग्री कॉलेज रोहतक, कम एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी गोड ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा। आप सभी पत्रकार बंधुओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने परावर की जमीन की लीज मनी का किया स्थायी समाधान, निजी कोष से दान की 50 लाख रुपए की राशि जिसकी एफडी करवाकर उसके ब्याज से लगातार भरी जाएगी लीज बनी। सांसद कार्तिकेय शर्मा जी ने निभाया अपना वायदा। साथियों, रोहतक नगर निगम की गांव परावर की जमीन जो पिछले दिनों गोड ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं को लीज पर दी गई थी, उसकी लीज मनी जो कि 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष प्लस 10% इंक्रीज एवरी ईयर का प्रावधान रखा गया था, इसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विनोद शर्मा जी ने अपने निजी कोष से 50 लाख रुपए की राशि संस्थाओं को दान में दी। इस राशि का बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाकर उससे मिलने वाले ब्याज से प्रतिवर्ष लीज की राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए गोड ब्राह्मण शिक्षण संस्थाएं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विनोद शर्मा जी व श्री कार्तिकेय शर्मा जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करती हैं, धन्यवाद करती हैं। श्री कार्तिकेय शर्मा जी ने 11 दिसंबर 2022 को करनाल में परशुराम महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें एमपी साहब का अतुलनीय योगदान रहा और वह आयोजन एक सफल आयोजन रहा। उस परशुराम महाकुंभ में माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि परावर गांव की 15.37 एकड़ जमीन गोड ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं को दे दी जाएगी। 16 मई 2023 को हरियाणा निवास चंडीगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में प्रहार वाली जमीन के कागज गोड ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं को सौंप दिए गए। इसके लिए पूरा समाज व गोड ब्राह्मण शिक्षण संस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करती हैं, दोबारा से धन्यवाद करती हैं, क्योंकि ये जो जमीन है ये सेक्टर के बीच में रेलवे स्टेशन के पास है, इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। ऐसी जमीन गोड ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं को देकर माननीय मुख्यमंत्री ने गोड ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं पर आभार, बड़ा ही अच्छा काम किया। उसी समय हमारे माननीय सांसद कार्तिक शर्मा जी ने ये आश्वासन दिया था कि लीज रेंट का पैसा उसका समाधान हम करेंगे और विनोद शर्मा जी के द्वारा दिए गए 50 लाख रुपए के दान की राशि से लीज मनी का परमानेंट समाधान हो गया। इसके लिए मैं श्री कार्तिकेय शर्मा जी का भी दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। लीज मनी को भरना एक बड़ा विषय था और इसका स्थायी समाधान करना एक महत्वपूर्ण गोड शिक्षण संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री कार्तिकेय शर्मा जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, वो जो वायदा करते हैं उसको निभाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विनोद शर्मा जी की सोच हमेशा सामाजिक सरोकार की रही है और जब भी समाज को जरूरत पड़ी है उन्होंने हमेशा इस स्वेच्छा से समाज का एक मार्गदर्शन किया है और उनका सहयोग अनुकरणीय रहा है। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी उन्हीं के दिखे रास्ते पर चलते हुए ब्राह्मण समाज सहित सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए सेवा भाव से सार्वजनिक जीवन में जन सरोकार की बात करते हैं। गोड ब्राह्मण शिक्षण संस्थाएँ चाहेंगी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री विनोद शर्मा जी और हमारे राज्यसभा सांसद माननीय कार्तिकेय शर्मा जी संस्था में आए और संस्थाएं उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करेंगी और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो संस्थाओं में आए और उनके सहयोग के लिए गोड ब्राह्मण शिक्षण संस्थाएं हमेशा आभारी रहेंगी। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों गोड ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को जो जमीन दी गई थी उसकी डिमार्केशन भी करवा ली गई है और मैं समाज से भी आह्वान करना चाहूँगा कि
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जमीन दे दी है। माननीय सांसद कार्तिकेय शर्मा जी के प्रयासों से माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा जी ने लीज मनी का स्थायी समाधान किया है। अब समाज आगे आए और संस्थाओं में सहयोग करे ताकि वहाँ पर एक राष्ट्रीय स्तरीय अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना हो सके। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।